का रास्ता है घर से, सो चलते जल्दी चलते हैं एंड आपसे सीधा यूनिवर्सिटी में मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली रीच दैट FIC, नॉट FIC, इट्स SFU एंड नाउ गोइंग टू FIC एंड कॉलेज आप देख चुके हो पहले से ही, सो इतना अराउंड नहीं दिखा रहा बट आपको यहाँ पे दिख जाएगा SFU पहुँच चुका हूँ एंड लेट्स गो जल्दी जल्दी से। सो गाइस रीच्ड एट FIC एंड कैंपस में आ चुका हूँ। So guys, orientation is going on and I'm sitting और भाई हमें मिला है, let me show you, पर adjust कर दो कोई नहीं। So भाई हमें ये मिला है welcome to FIC and कुछ है जिसके अंदर लाइक भाई काफ़ी सारी चीज़ें नोट बुक कर रहा हूँ, वी हैव गॉट आवर पेंस एंड ऑल एंड भाई आपको क्लास रूम दिखाता हूँ। सो बेसिकली क्लास रूम नहीं है बट इट्स द ओरिएंटेशन हॉल एंड I'll show you. See, we are all sitting like this and सामने orientation चल रही है, so ऐसी कुछ है and अभी चल रही है, so इसे लेते हैं and then I'll show you. So guys, our orientation is done and now we are up for the campus tour. और अभी हमें कैंपस दिखाया जा रहा है, ऑलरेडी हम कैंपस घूम चुके हैं जैसे आपको दिखाया भी था, सो बट कोई नहीं अब दोबारा घूम लेते हैं। सो गाइस अपनी भीड़ को ज़्यादा लंबी है और वो सामने हमारे इंस्ट्रक्टर है एंड वो बता रही है कि भाई कहाँ पे क्या है। सो गाइस अब हमारी हो रही है जंगलों में सैर, ठीक है, चारों तरफ जंगल, आप भी देखो नज़ारे। लुक एट दिस, जंगल ही जंगल है भाई। सो गाइस भीड़ को बिल्कुल पीछे छोड़ के हम आ गए हैं आगे एंड इंस्ट्रक्टर की बातें समझने और अब हम SFU आ गए हैं फ्रॉम आर FIC। FIC होता उधर और SFU के ऊपर अभी पहाड़ चढ़ा जा रहा है और आपको दिखा भी दूँ, देख लो आपको दिख रहा है ऊपर जा रहा है ये पहाड़ है एंड ये हमारी इंस्ट्रक्टर है और ये दो तीन बच्चे और आगे एंड समथिंग लाइक दिस इज आवर SFU एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ये भाई सामने स्टारबक्स है, अगर कुछ खाने के लिए हो तो चीज़ टेलिंग दिस एंड और आगे चलते भाई, कह रही है तो और आगे चलते भाई। तो भाई सबसे आगे आ गया और ये गाड़ी देखो इससे मेरे को दिया भाई की गाड़ी है, दिया भाई की एंडेवर है और ट्रक बना रखा है एंडेवर का और आगे चलते हैं। एक बात और, उस दिन आया था भाई चबी भी एक टेस्ला चार्ज हुई थी एंड आज भी चार्ज हो रही है, हाथ दे भाई कितनी कितनी बैटरी लेती है अरे। सो ये आ गया अपना अकेडमिक क्वाड्रेंगल एंड और आगे बढ़ रहे हैं और भाई सामने वाला सीन भाई पहाड़ और भाई ये सामने लेक आ गई एंड आपको सामने दिख रहा होगा वो ऐसे पूरा भाई हम अगले साल अंदर आ जाएंगे FIC से और भाई सामने भाई पार्टी चल रही है, अनफॉर्चुनेटली वी कांट जॉइन दैट एंड बाकी अपने FIC वाले खड़े ही हैं यहाँ पे। भीड़ देख लो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे लेक के पास और बहुत बुरा काम हो रखा है सी हर जगह इतने सारे बंदे। सो हमारा इंस्ट्रक्टर कह रही है, बल्कि हमारी इंस्ट्रक्टर कह रही है कि हम दूसरे रास्ते से चलें क्योंकि यहाँ पे तो फिर भाई कई घंटे खड़ा होना पड़ेगा। सो लेट्स सी दे आर डिसाइडिंग कहाँ से चलेंगे। तो वहाँ से अंदर जा रहे हैं अंदर श्रम साइंस सेंटर और यहाँ से फिर हम उस साइड चलेंगे और अंदर अंदर से ही विल एक्सप्लोर। ये भाई बिड़ते मैथ्स आ गई डैम और आगे चलते भाई, अब ये दिखा रही है कहाँ पे क्या है और ये भी पता नहीं भाई क्या चीज़ है, अच्छा ये तो प्रिंटिंग वरिंटिंग का सिस्टम है बाकी पता नहीं क्या क्या है। एग्जिट हो गया, छोटा था भाई ये, आई डोंट नो बट मे बी ये सारा स्टाफ का है। एक चीज़ और देख लो भाई, ये बर्नबी माउंटेन का हाईएस्ट टॉप है जो आपको इतना छोटा लग रहा है कि हम इतनी ऊपर आ रखे हैं एंड दिस इज़ द हाईएस्ट पीक हेयर और भाई हमारी बिल्डिंग भी इससे ज़्यादा ऊँची बन रखी है। सो हाँ और भाई ये दोबारा भीड़ आ गई, आपको छोटे छोटे लग रहे होंगे पर पास रूम करके दिखा दूँ, बहुत बुरा हाल हो रखा है हर जगह इतने सारे बंदे हैं। सो देख लो ये सारे अपना बैठ बैठ खाने लग रहे हैं और अब हम इनको साइड में से क्रॉस करके ये लेक आ गई, ठीक है अब ये शायद रोके या नहीं आई डोंट नो बट ये वो उस दिन वाली लेक है। और भाई जिसने रुक जाओ मैं कैमरा बैक करके बताता हूँ, भाई जिसने उस दिन कैंपस टूर नहीं देखा जाके देख लो, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में एंड भाई इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लो और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बीच में बोल रहा हूँ लास्ट में दोबारा ही बुलवाओगे आप, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आगे चलते हैं अभी भाई रुके नहीं है यहाँ पे। माय गॉड भाई सुंदरता, ये देखो
गाइस लुक एट दिस, बहुत सुंदर है। और गाइस अब यहाँ से हम आ गए हैं SUV में। सो ये कल ही पिछले साल खुला है, एज यू हैव हर्ड दिस इज़ SUV स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग। एंड एंट्री करते हैं, अंदर से देख लो, बहुत सुंदर है भाई, इट्स सो गुड। और गाइस वहाँ से उतर के भाई ये मेरे समझ में आया ये लकड़ी है या सीमेंट है, अपने इंडिया वाला सिस्टम है पर ये लकड़ी है एंड पर ये फिर भी सीमेंट जैसा ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सीमेंट वाला होता ही नहीं है, सारा लकड़ी का काम है। और दोबारा वहाँ से बाहर आ गए हैं और सारे क्राउड को छोड़ के शॉर्टकट मार के SFU में घुस चुके हैं। दूसरी मतलब SFU तो वहीं से शुरू हो गया था, बट एक वो पोंड वाला एरिया जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी उसको क्रॉस कर चुके हैं एंड अब दूसरी साइड आ गए हैं। और वो भी दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ तक भीड़ आ रही है इनकी, देख लो भाई ये रे यहाँ तक आ रखे और ये अंदर तक आपको दिखेंगे, ऐसे ही खड़े हैं। और इन सबको आउट क्रॉस करके बम जाएंगे इस तरफ। और ये भी आपने देखा था भाई, ये क्लब है एंड यहाँ पे स्लीपिंग का भी है और ये LGBT+ कम्युनिटी के लिए है और ब्लैक वाले के लिए भी है, इंडिजिनस पीपल्स उनके अलग अलग क्लब्स हैं इसमें। और ये सामने SFU का आपको दिख गया होगा और ये सामने लाइब्रेरी भी है इस तरफ एंड ये वही वेकेशन मॉल है, आप सुन ही रहे हो। No, like from time to time, okay. There are different events like library and here I said you can install over here. Toast marshmallows. चला गया। Oh, okay. In communication mode. So पता नहीं भाई क्या बना रहे हैं, मैं दोबारा आ जाता हूँ, मैं दिखा देता हूँ तन क्या बना रहे, पर जो भी कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है और अभी और आगे चल रहे हैं। दोबारा भाई पहाड़ दिखने लग गए हैं इस बिल्डिंग के ऊपर और भाई ये बिल्डिंग भी बहुत सुंदर और सामने लाइब्रेरी है और ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी है। तो भाई ये पता नहीं क्या है यहाँ पे, ये मैंने भी नहीं देखा है और हम दूसरे एंड पे आ गए बिल्कुल, तो सामने आप देख रहे हो सनबात ले रहे हैं, शायद बूट आया पता नहीं क्या है, शायद शॉर्ट शॉर्ट्स में आपको दिख भी रहा होगा बिना कपड़ों के हैं। और ये देख लो ये बाहर सामने ग्राउंड है और ये सामने शायद पूल है, आई गेस आई डोंट नो, वो शायद डाइनिंग एरिया शील टेल नाउ लेट्स सी भाई जो भी क्या भी बताती है। ये है रिक्रिएशनल सेंटर एंड यहाँ पे जिम पूल एंड फिटनेस क्लासेस एवरीथिंग यू नीड कनेक्टेड टू स्पोर्ट्स यू विल फाइंड इट ऑन दिस, ठीक है। और ये शायद सॉकर का है आई डोंट नो, FICID सो डोंट फॉरगेट टू हैव FICID। अब सामने आ गया AQ, आई डोंट नो AQ क्या है बट जो भी है अभी दिख ही जाएगा। ये था AQ अकेडमिक क्वाड्रेंगल और इसमें अभी भाई पढ़ाई वढ़ाई का ही सिस्टम लग रहा है, जो भी है देखते हैं। वो सामने स्टूडेंट सेंटर है एंड ऐसा अपना AQ और भाई ऊपर जा रहे हैं। तो भाई ऊपर आके हमें यहाँ मिल रहा है यहाँ पे सामने श्रम साइंस सेंटर केमिस्ट्री का, इस वाली जगह मैं आ रखा हूँ पहले, ठीक है। यहीं से हमने पानी वाली पिया था, यहीं कि मैं आपको थिएटर से दिखा रहा था उस दिन और आज तो खुल गया भाई, देखते अगर ये कोई सा दिखाती है तो नहीं तो हम स्निक इन करेंगे। ये रही वो जगह, ये मेरे को सबसे बेस्ट प्लेस लगती है क्योंकि एक तो बहुत बड़ी और सुंदर भी है, सो दिस प्लेस इज़ वेरी गुड। ये राहुल पता नहीं भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एंड नाउ शी सेइंग कि वी विल गो बैक टू आर FIC, क्योंकि यहीं से गए थे उस दिन भी और आज भी दोबारा जा रहे हैं। सो गोइंग, और आपने नोटिस करा होगा भाई मेरी क्लास में सिर्फ एक इंडियन है, लाइक मतलब क्लास तो नहीं थी ये, मतलब ओरिएंटेशन में रैंडमली किसी को भी किसके साथ बिठा दिया था, सो बट जा भी मैं बैठा था, सिर्फ एक इंडियन लड़की थी वो भी, बाकी कोई मैक्सिकन है और भाई चाइनीज़ तो भरे पड़े हैं। ओके सो यहाँ पे भी आपको दिखे होंगे ये भी दोनों चाइनीज ही हैं। ये अपना थोड़ा सा हल्के फुल्के खाने पीने का सामान आ गया और यहाँ से भाई ये ख़त्म होने वाला है, सो लेट्स हेड बैक। सो एग्जिट पे आ गए, ठीक है, और अपना इनका वेट करें, जब ये जाएंगे फिर हम भी चलेंगे। वही दिस वॉज लाइक अ शॉर्टकट एंड हम सीधा FIC के इधर ही आ गए हैं, सो दैट्स ग्रेट। अब ये हम शॉर्टकट हम भी इस्तेमाल करेंगे भाई पूरा।
भाई आ गया अपने FIC के एंट्रेंस जंगलों के बीच में, जैसे आपको रास्ता भी नहीं दिखेगा हमारे FIC का, ऐसा छुपा हुआ है ना मज़ेदार। पर आपको एक बोर्ड दिख जाएगा बस, और भाई ये डस्टबिन का भी एक राज है, देख लो कि अलग दिख रहा है ना डिस्कवरी एंड FIC। तो डस्टबिन भाई इसलिए है ताकि जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं वो इसको अंदर से कचरा वचरा ना कर पाए, वो उनकी रीच से बाहर करने के लिए ये है। और ये हमारा ट्रेल शुरू हो गया इस तरीके का, और ये आसपास जंगल, काफ़ी डेंस जंगल, और फिर हमारी FIC आ जाएगी। गाइस रीच्ड, और ये आ गया वेलकम टू ओरिएंटेशन। और भाई अपनी एंट्री यहाँ से थी, बट वी आर गोइंग समवेयर एल्स, आई डोंट नो वेयर, लेट्स सी। भाई हम खाने जा रहे हैं, मेरे को पता चल गया है देख के, तो हम अब हमें भी कुछ मिलेगा नाश्ता पानी। डिस्कवरी 1 कनाडा पोस्ट, ये चल रहा भाई अंदर खाना। भाई आज जस्ट सो समथिंग, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इनका चेस्ट, देखो कितना ज़्यादा, लाइक भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बड़े वाला सिस्टम है, ठीक है। अपने अपनी तो भाई ये सारी छोटी छोटी होते हैं, और इनकी तो पूरी बड़ी बड़ी है, और वो भी पिछले वाला पता नहीं कौन सा गेम, आई डोंट नो, होगा कुछ कनाडा का। पर भाई चेस बहुत अच्छा लगा, लाइक इतनी बड़ी बड़ी है, सो अलग ही मज़ा है भाई थोड़ा सा बड़े गेम का। और अब यहाँ पे भाई खाना चल रहा है, भीड़ लग रखी है पूरी, तो हम भी इस भीड़ में स्ट्रगल करके अपना खाना छीन लाएंगे। गाइस हमें यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज मिले थे, एंड यहाँ पे चल रहा है थोड़ा अपना क्रोम वाली फोटोज, फोटोग्राफी टीम एक पिक्चर। गाइस आई हैव गॉट अ टैग, इस पे लिख रखा है हेलो आई एम कुणाल एंड वेलकम टू FIC। और आपको अभी लाइन दिख रही होगी, मैं भाई उन्होंने ओरिएंटेशन कंप्लीट हो चुकी है भाई, वो थोड़ा सा खाना था, और अब हम खड़े हैं इतनी बड़ी लाइन में, और ये लाइन है अपनी स्टूडेंट ID की। सो यहाँ से स्टूडेंट ID लेनी है, एंड देन चलेंगे घर की तरफ, और कल से हमारी क्लासेस शुरू है, और भाई लाइन बहुत बड़ी है। जस्ट लुक गाइस, ये लाइन पूरी ऐसे कहाँ तक है, पूरी लाइन उधर तक, इतनी लंबी लाइन है, एंड ये मेरे इधर से पीछे से जाके एंड यहाँ तक घूमती हुई आ रही है। सो देखते हैं कितना टाइम लगता है, बाकी जल्दी जल्दी हट रहे हैं बच्चे, क्योंकि ID देनी है बस। सो लेट्स सी भाई, भाई ऑलमोस्ट ये 3 काउंटर्स हैं, 3 पे 4 ID बन रही है, एंड अपना भी नंबर आने वाला है ऑलमोस्ट, एंड देन लेट्स गो। सो गाइस फाइनली गॉट माय कार्ड, एंड ये रही अपनी फ़ोटो भी, और शायद कैमरा भी नहीं दिख रही, और मिल चुका है, और भाई क्यों उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। सो बट हमें शांति है क्योंकि हमें अपना कार्ड मिल चुका है, और आपको क्यों दिखाऊँगा, सो आप हैरान हो जाओगे, आई शो यू वेट, जस्ट लुक एट दिस। और भाई इतनी ज़्यादा लंबी है, ये वहाँ से घूम के दोबारा उधर और आगे तक जा रखी है, तो दिख रहा है वहाँ पे जाके फ़ोटो खींच रही थी, बट अपना काम हो चुका है। सो एक तरीके से खुशी मिल रही है, क्योंकि भाई बाकी हमें फ़ायदा भी यही है कि हम पहले से आ चुके थे। सो लेट्स गो, आई इज़ नाउ गोइंग बैक टू होम। सो चलते हैं बस स्टॉप की तरफ, और आज का बस इतना ही, एंड कल से हमारी क्लासेस शुरू है। सो लेट्स सी भाई, वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारोज डे, और आज का भी दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था, एंड बाकी दैट वाज इट। और भाई कमेंट्स में बताना आपको कैसी लगी ओरिएंटेशन, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, और नेक्स्ट व्लॉग स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यू नो इट्स माई फर्स्ट क्लास। ओके सो सी यू टुमारो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।